अब की बार एक महीने की पूजा नहीं है, अधिक मास के होने के कारण 2 महीने श्रावण की पूजा होगी महादेव की। अब भक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे प्रसन्न करना चाहे, बिलपत्ता चढ़ाया जाए, दूध चढ़ाया जाए, शहद चढ़ाए, अमृत चढ़ाए, गन्ने का रस चढ़ाए, उनकी इच्छाओं के अनुसार होता है। वैसे बाबा को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादातर बिलपत्र ही चढ़ता है बाबा के ऊपर, या कांवड़ यात्रा आती है, कांवड़ यात्रा से प्रसन्न किया जा सकता है बाबा को। बाबा की भक्ति जितनी करे उतनी कम है। जय भोलेनाथ। आज भगवान भोलेनाथ का दिन शुरू हुआ है, 2 महीने इसी प्रकार से भगवान की सेवा होती रहेगी। भगवान इतने भोले हैं कि वो दूध और काले तिल से भी राजी है, बाकी और कुछ भी चढ़ाओ उससे भी राजी नहीं हो सकते। लेकिन भगवान अगर मन से करेंगे पूजा तो भगवान कच्चे दूध और तिल से भी राजी है। उस चीज़ के लिए भगवान को बिल्कुल प्रसन्नता रहती है। बेलपत्र जो कि एक बिल्कुल कड़वाहट और जहरीला होता है, उसको भी भगवान भांग और बिल्कुल, ये मान लीजिए आपकी जो चीज़ कोई भी नहीं ले सकता वो भगवान शिव धारण करते हैं आराम से, और बिल्कुल रमा के रहते हैं ये 2 महीने। बिल्कुल बाबा अपने उसमें भक्तों के लिए प्रदर्शित रहते हैं, और भगवान अपने भक्तों को फुल छोड़ छप्पर फाड़ के जो भी उसकी मनोकामना है वो पूरी करता है। सावन की आज से शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम राजधानी के सबसे प्राचीन मंदिर ताड़केश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। काफी प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजाओं के समय इस मंदिर की स्थापना हुई थी। सुबह पट खोलने के साथ ही जो है पूजा अर्चना की गई, उसके साथ बाद भक्तों के लिए द्वार खोल दिए गए। आप देख सकते हैं सुबह से ही भक्त भगवान शिव के जय जयकार करते हुए उनका अभिषेक करने में लगे हैं। भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है, जल अभिषेक किया जा रहा है। कहते हैं 2 महीने सच्चे मन से अगर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए तो भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। इसी आस्था के साथ सुबह से ही भक्तों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, लोग की भीड़ यहाँ अक्सर देखने को मिलती है। सावन का 2 महीने है तो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ यहाँ साफ तौर पर देखने को मिलेगी। जो मंदिर के महंत हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। महाराज, 2 महीने का सावन निकल कर आया, काफी लंबे समय बाद 2 महीने का जो सावन आया है, ये 19 साल के बाद में श्रावण का महीना आया है। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से सारे दुख दर्द दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषतः जिस महीने में संक्रांति नहीं पड़ती है वो महीना अधिक मास का माना गया है। अधिक मास के महीने में विष्णु भगवान की पूजा का विधान है। शंकर भगवान और विष्णु भगवान की जो पूजा का सम्मिलन हो रहा है, यह बहुत ही बढ़िया सिद्ध योग है। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर एक दूसरे के पूरक है। भगवान विष्णु शंकर भगवान की उपासना करते हैं और शंकर भगवान भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, इसलिए शिव और विष्णु दोनों को मनाना चाहिए। घरों में किस तरह पूजा अर्चना की जाए? घरों में जो पूजा अर्चना करनी चाहिए वो भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बना के, जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के मंदिर में नहीं आ सकता हो उसको पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, या पारद का शिवलिंग बनाए, स्फटिक का शिवलिंग बनाए, सोने चांदी का शिवलिंग बना के स्थापना करे और सावन भर 2 महीने तक उसकी उपासना करे, पूजा करे, तो उसके सारे दुख दर्द दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बिल्कुल, देखिए जो भक्त मंदिर नहीं आ सकता है वह घर में भी शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकता है। कहते हैं कि भगवान शिव बड़े भोले होते हैं, भक्तों की पुकार सुनते हैं। एक बार फिर मैं आपको मंदिर का वो नज़ारा दिखा दूं जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। भगवान शिव के जय जयकार किए जा रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। कहते हैं भगवान शिव बड़े भोले होते हैं, भक्तों की पुकार सुनते हैं, साथ ही अलग विधि विधान भी होते हैं जिसके तहत पूजा अर्चना की जाती है। सावन का पहला दिन है, यहाँ आए हैं, किस तरह भगवान भोले को प्रसन्न करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए जल दूध से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। 2 महीने तक लगातार पूजा अर्चनाओं का दौर चलेगा, साथ ही साथ पूजा अर्चना के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की जाएगी। एक बार मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं किस तरह भगवान शिव के लिए चंदन का टीका तैयार किया जा रहा है। चंदन का टीका भगवान शिव को लगाकर यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। जल और दूध का तो अभिषेक किया ही जा रहा है, साथ ही साथ भगवान शिव के जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। काफी प्राचीन मंदिर है। एक बार मैं मंदिर का एक बार आपको फिर से नजारा दिखा दूं, क्योंकि सुबह से ही भक्तों की जिस तरह भीड़ देखने को मिल रही है, अलग अलग जगहों पर भगवान शिव की, माता माँ दुर्गा की जो है मूर्ति लगाई गई है और
भगवान शिव के भजन यहाँ चलाए जा रहे हैं। कहते हैं इन दो महीने तक लगातार भक्तों की भीड़ यहाँ साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो सुबह से ही भक्तों की भीड़ तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और भगवान शिव के जय जयकार लगाए जा रहे हैं। वसंत पांडे, TV9, जयपुर।